दोस्तों वेलकम टू द क्रिएटर्स चैनल्स और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि द क्रिएटर्स चैनल्स का जो फेसबुक फैन पेज है तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और सिर्फ कल यस्टरडे में 2000 प्लस यूजर्स जो से हैं वो हमने गेन किए। और कुछ लोग ये नहीं जानते कि आप फेसबुक से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब से, यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और वहाँ से आप वहाँ पे आप वीडियो लगाते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। इसी तरीके से ही आप फेसबुक पे भी आप अपना पेज बनाकर, वीडियोस लगाकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब के मुकाबले में जो फेसबुक का वॉच टाइम है वो सिर्फ 30,000 मिनट है लास्ट 60 डेज में, लेकिन जो इनका फॉलोअर्स बेस है, जिसे यूट्यूब में सब्सक्राइबर है, फेसबुक के जो फॉलोअर्स हैं या जो लाइक्स है, फैन पेज है, जो फैंस हैं पेज के, वो ज़्यादा है 10,000 कम से कम आपको आपके फॉलोअर्स नीडेड है। तो कैसे स्टार्ट करना है पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पेज बनाएंगे और कैसे आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर कर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये द क्रिएटर्स चैनल्स का जो एक फैन पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप अगर कोई भी पेज बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने पेज को बहुत खूबसूरत बनाना है, उसका एक लोगो बनाना है, उसका एक वॉल ज़रूरी बनाएं। और अगर आप नहीं बना सकते तो किसी भी फाइवर में आप किसी को भी अपनी सर्विसेज दे के 5-10-20 डॉलर के अंदर आप आराम से ये बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है क्रिएटर स्टूडियो का बटन। जी, ये क्रिएटर स्टूडियो जो फेसबुक ने स्टार्ट किया है वो क्रिएटर स्टूडियो के नाम से है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मोनेटाइजेशन। यहाँ पे अभी देखें जी, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पेज ने अभी तक फेसबुक की कोई भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। अगर आप कोई पेज चला रहे हैं और आप समझते हैं कि मैंने इसको मोनेटाइजेशन के लिए इसको मैंने आगे बढ़ाना है, इस पर फॉलोअर्स लाना है, तो सबसे पहले ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपने कोई फेसबुक की वायलेशन तो नहीं की, कोई पार्टनर उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी की अगेंस्ट आपने कोई पोस्ट तो नहीं लगाई। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपने अगर किसी भी पेज को मोनेटाइज करना है फेसबुक के ऊपर तो आपने कोई भी थर्ड पार्टी वीडियो नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंटेंट, अपना कंटेंट, अपनी क्रिएट की हुई वीडियो जो सी है वो आपने लगानी है शुरू से ही, और आपने अपने पेज को ग्रो करना है। अदरवाइज अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी की या कोई भी ऐसी कॉपीराइटेड वीडियो लगा देंगे तो उसके बाद आपका ये पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा और इसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकेंगे। तो YouTube के ऊपर तो आप अपनी वीडियोस हटा सकते हैं, मतलब उसमें ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है और उसके बाद वो रिव्यू में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने टेक केयर करना है अपने पेज को, शुरू से ही पेज को टेक केयर करना है। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो फेसबुक कहता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेल्प पे, हेल्प में एड ब्रेक्स के ऊपर आपने जाना है, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद ये एड ब्रेक एलिजिबिलिटी के ऊपर आपने चले जाना है। ये आप अगर आप लॉगिन हैं तो आपके ये सारे पेज, जो भी आपके पेजेस हैं वो आपको दिखाएगा ये, और आपको बताएगा कि आपने अभी तक आपका पेज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका और कितने परसेंट अभी रहता है। तो अभी तक हमारी जो द क्रिएटर्स चैनल्स के जो फॉलोअर्स है वो 4000 प्लस, मतलब 5000 के करीब है। तो दैट मीन 50% ये फॉलोअर्स वाला मसला जो कंप्लीट हो चुका है। हमने मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं लगाई, कंट्री अवेलेबिलिटी भी हमारी है, और 1 मिनट की जो व्यू वीडियो हैं वो 3 मिनट वीडियो जो सी हैं वो लास्ट 60 डे तक 30,000 चाहिए। और अभी आज की डेट में हमने इसको क्रॉस कर लिया लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो
पेज है, एक पेज क्रिएट करना है फेसबुक के ऊपर, आप क्रिएट करें, एक पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू कीजिए, और अपना कंटेंट डालने के बाद आप उस पे फॉलोअर्स लेके आइए, ग्रुप्स में पोस्ट कीजिए, या जैसे भी जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट तरीकाकार है, आप बूस्ट लगाना चाहते हैं फेसबुक की पेड एडवर्टाइजमेंट से, या फिर आप कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं, किसी को हायर करना चाहते हैं, उनको हायर कीजिए और आप अपने पेज को ग्रो कीजिए, 10,000 फॉलोअर्स तक आप उसमें लेके आइए। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमने इसको अचीव कर लिया, 30,000 जो मिनट व्यूज है हमारे 35.3 हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक वहां पे उस पेज के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमारे 10,000 अब फॉलोअर्स हो जाएंगे, हमारा ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं, वही वीडियो सेम आपने उसको YouTube का लिंक के साथ नहीं लगाना, आपने वहां यहाँ पे आके अपलोड वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, या फिर आप गो लाइव भी जा सकते हैं, अपलोड कीजिए वीडियोस, सेम वीडियोस आप अपलोड कीजिए और उसी पे आप डबल अर्निंग कीजिए। वही सेम वीडियो जो आपने YouTube के ऊपर अपलोड की थी, वही वीडियो यहाँ पे आप उसको अपलोड कीजिए, थंबनेल के साथ अपलोड कीजिए। बहुत ही इजी तरीका है यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का, मल्टीपल वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं, सिंगल वीडियो भी आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक सिंपल एक वीडियो बना जो अपलोड करने का यहाँ पे तरीका कर, क्रिएटर स्टूडियो में आपने आना, अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना, कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं, जो भी आप अपनी वीडियो का टाइटल रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहें, एबीसी कुछ भी आप देना चाहें। उसके बाद आपने यहाँ पे आके टैग्स जो उनसे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है, देखिए जैसे आपने फिर यूट्यूब के ऊपर आप थंबनेल बनाते हैं, यहाँ पे भी आपने थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने का बहुत ईजी तरीका है, यहाँ से जाके आपने कस्टम इमेज में एड इमेज पे क्लिक कर देना, और आप यहाँ पे कोई भी कस्टम थंबनेल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जबरदस्त सा कस्टम थंबनेल बनाइए जो थोड़ा आई कैची हो, थोड़ा ट्रिकी हो, और उसके बाद आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करके इसको पोस्ट कर दीजिए वीडियो को, और वेट कीजिए फॉर रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा आपके फॉलोअर से, आपके फैन पेज पे जितने भी लोग आपको लाइक कर रहे हैं उससे, तो ज्यादा से ज्यादा अपनी फैन फॉलोइंग आपको गेन करनी पड़ेगी, इसको आपको पेज को ग्रो करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पेज आपका ग्रो होगा, डेफिनेटली आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। कंटेंट आप वो लगाइए जो आपको लगे कि वो सॉलिड कंटेंट है और उसको वाकई लोग देखेंगे। एटलीस्ट 3 मिनट का कंटेंट आपने ज़रूर लगाना है, या आप जिस वक्त भी वीडियो अपलोड करेंगे तो फेसबुक की तरफ से आपको वो आपकी वीडियो का जो, अगर वो HD नहीं है, अगर 3 मिनट्स की नहीं है, तो वो आपको साइड स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा होता है कि आपकी वीडियो में क्या कमी है। तो 3 मिनट की वीडियो ज़रूर लगाइए और उसके बाद आप इसको पोस्ट कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा और दोनों तरफ से आप अर्न करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।